वारा शहर से बशीर लतीफ़ी की रिपोर्ट। वारा में करोड़ों रुपए के फंड रखने वाले दो इदारों के ज़ेर एहतमाम ड्रेनेज निज़ाम तबाह, इंसानी आबादियां निकासी आपके घेरे में आ चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक वारा तहसील में पब्लिक हेल्थ व टाउन कमेटीज़ के ज़ेर एहतमाम चलने वाला तहसील भर का ड्रेनेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह होने के सबब ज़रई ज़मीनों नहरों के बाद इंसानी आबादियाँ भी निकासी आपके घेरे में आ चुकी हैं। जबकि माहवार करोड़ों रुपए के फंड होने के बावजूद भी निकासी आप महले देहातों शहरों में तालाब व झील की शक्ल में खड़ा है, जिसके सबब सतह ज़ेर ज़मीन कड़वा व जहरीला बन चुका है। और जबकि वारा तहसील के मरकज़ी शहर वारा में निकासी आप इंसानी आबादियों में दाखिल होने के सबब गरीब मिस्कीन मजदूर शदीद परेशान हैं। शहर की निकासी आप का पानी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में दाखिल होने के सबब शदीद परेशानी वार्ड नंबर 6 खान मोहम्मद मीरजत महल्ला के मकीन अब्दुल गफ्फार की जानिब से रोजनामा आज़ाद रियासत के नुमाइंदे के आगे उन्होंने फरियाद करते हुए कहा कि गरीब मजदूर हूँ, किराए के मकान में रहता था, मालिक मकान में घर खाली करने का कहा है, मेरा मकान छीन लिया गया, मुकम्मल सामान खुले आसमान तले पड़ा है, किस्तों पर प्लाट खरीद किया था, अब इसको चार दीवारी तामीर करके झोपड़ियाँ बनाकर अपने बाल बच्चों सामान को धूप व सर्दी से बचाना चाहता हूं, मगर मेरे प्लाट पर निकासी आब का गंदा पानी भरा पड़ा है, जिसके सबब चार दीवारी तामीर करना बहुत मुश्किल हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई, मैं अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले पड़ा हूँ। उन्होंने डीसी कंबर शहजाद कोर्ट एमपीए बुरान खान चांडियो टाउन इंतज़ामिया वारा पब्लिक हेल्थ इंतज़ामिया समेत दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि बग़ैर देर किए मेरे प्लाट से जो ये गंदा पानी निकाला जाए और मुझे जो मेरा प्लाट पर मकान तामीर करने की सहूलत फराहम की जाए। नुमाइंदा आज़ाद रियासत बशीर लतीफ़ी वारा।